in treatment. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ नया नहीं है, जो तुम लोगों ने किया वही है। सिर्फ मैं तुम्हें ये प्रेजेंट करूँ, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छे इसमें कुछ भी नया नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम उस एंगल से सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग की बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, एक रिवेन्यू नेचर आइटम है। रिवेन्यू नेचर आइटम का मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पर आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर एक रूल बेसिस पे बनता है, यानी कि करंट ईयर पे ही फोकस करना है हमें। कुछ भी अगर प्रीवियस ईयर का है तो माइनस हो जाएगा, कुछ भी अगर नेक्स्ट ईयर का है तो माइनस हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन करंट ईयर, यही है ना सारी कहानी, कि करंट ईयर पे फोकस करना है। अब कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। द बेस्ट पार्ट जो तुम्हारा पीछा छूटा है, जिससे कि तुम लोग पूरा 11th 12th मुझसे तो बहुत दुखी रहे हो, फॉर मैथ्स। अब कोई फॉर्मेट्स नहीं है, बल्कि अब अगर तुम फॉर्मेट्स बनाओगे और फॉर्मेट्स बना के करने की कोशिश करोगे तो डांट पड़ेगी। शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखोगे तो डांट पड़ेगी, क्योंकि अब हमें फटाफट से एक मिनट में क्वेश्चन करना है। अब एक मिनट में क्वेश्चन करने में हम अगर प्रॉपर वो उनको देख नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात है कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देख रहा आके कि तुमने फॉर्मेट कैसा बनाया। उन्होंने देखा ए बी सी डी में से आपने मार्क क्या किया और वो सही किया है कि नहीं किया है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है, ठीक है। तो अब अगर तुम प्रैक्टिस में भी सोचोगे कि नहीं तरीके से करें तो तुम पीछे रह जाओगे। तो प्रैक्टिस करते समय भी कोशिश करनी है या तो दिमाग में कैलकुलेशन कर ली या फटाफट से प्लस माइनस लिखा और कर ली फास्ट। दिस इज स्टेप नंबर 1। नो फॉर्मेट्स, नो फुल फॉर्म्स, नो डेबिट क्रेडिट, नो रुपीज, एकदम बदल गई, काया पलट हो गई हो, ठीक है। 2 साल तुमने डांट खाई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें रिसीव हुआ, इसमें से कौन सा हटा देना है जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर है, वो हटा दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, वो हटा देना है। और ऐड क्या कर देना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। तो ये हमें 2 चीजें ऐड कर देनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव जो कुछ भी हमें करंट ईयर से रिलेटेड मिला पहले या नहीं मिला अभी भी वो ऐड कर देना है। तो ये फिगर हमारे पास आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन करंट ईयर, या फिर हम इसे कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन विच इज रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये वाला अमाउंट वो है जो रिसेप्शन पेमेंट्स में शो कर रहे हैं और ये वो अमाउंट आएगा जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, ठीक है। अब हमेशा हम लोग आउटस्टैंडिंग टर्म जो होती है वो किसके लिए यूज करते हैं, एक्सपेंस के लिए। बट मैंने जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि अकाउंटिंग में ना बहुत सारी चीजें ना ट्रेडिशन पर बेस्ड होती है। ट्रेडिशन पे बेस्ड होने का मतलब क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजी इज यूज मेंट टू बी यूज विद एक्सपेंसेस, बट एनपीओ में हम आउटस्टैंडिंग टर्म सब्सक्रिप्शन के साथ यूज करते हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक असेट होता है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आउटस्टैंडिंग वर्ड देखा उठा के लाइब्रेरीज में, नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन असेट, दिस इज एक्रूड इनकम,
तो दिस इज बेस्ड ऑन आवर ट्रेडिशंस, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, दिस इज द वन वे स्टेटमेंट मेथड। ऑल्दो एग्जाम में आपको कोई ये नहीं पूछने वाला कि स्टेटमेंट मेथड है या काउंट मेथड है, कोई मेथड वन मेथड टू नहीं पूछने वाला, लेकिन वो ये जरूर कर सकते हैं कि आपको अकाउंट बना के दे दें, स्टेटमेंट बना के दे दें एंड फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। तो आपको पता तो दोनों ही होने चाहिए, समझे ना, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में टू बैलेंस बीडी, कौन सा बैलेंस बीडी होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस। क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट होता है, तो उसको ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा। ऐसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस ये हो गया बाय बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस सीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। फिर टू बैंक अकाउंट, या हम कह सकते हैं टू रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब एक बात बताओ, बैड डेट्स होते अगर ये डेटर्स अकाउंट की जैसे ही साउंड कर रहा है ना हमारा, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। देखो एक चीज गलत हो गई ना, यहां आएगा रिसेप्शन पेमेंट कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि उसके डेबिट में आएगा, इसके क्रेडिट में आएगा, अपोजिट लिख दिया था ना मैंने गलती से। बाय रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पे टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्यों, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर आएगा, इनकम है तो, ठीक है। तो ये आ गया रिसीवेबल। अब कहानी यहां पर आती है कि इट सीम्स लाइक डेटर्स अकाउंट, तो बैड डेट्स होते हैं वो कहां आते हैं, बैड डेट्स इसमें कहां आएंगे, तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन हमें नहीं रिसीव हुआ और हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ रहा है तो वो यहां आएगा। नाम कौन सा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में गया और यहाँ पे क्रेडिट में आ गया सब्सक्रिप्शन रिटर्न में। जनरली सारी अमाउंट्स हमने लिखी और लिखने के बाद ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। कोई भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कोई भी मेथड यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको मिसिंग फिगर्स दिए हुए हैं तो मिसिंग फिगर्स के अकॉर्डिंगली हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर आएंगे, कौन से मिसिंग फिगर, तो हमें दोनों मेथड्स पता होने जरूरी है। गॉट इट। अब इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमेबल्स, हाँ बोलो, जो हमारे पास कैश रिसीव्ड होता है ये वाला है, तो जो हमें प्रीवियस ईयर वाला, जो प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का मिल गया था, तो वो हमारे यहाँ पर आ गया होगा ना एडवांस, ऐसा वो एडवांस में डाल देंगे, वो तो एडवांस हो गया ना, एडवांस को ओपनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं,
अगर एक हॉस्पिटल है तो उसके लिए मेडिसिन, एक स्कूल है तो उसके लिए स्टेशनरी, स्पोर्ट्स वालों के लिए तुम्हारी शटल कॉक्स जो होती है, क्या कहते हैं उसे, हाँ इक्विपमेंट्स, नहीं जैसे कि बॉल्स हो गई, शटल कॉक्स हो गई, ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब तुम्हारे लिए कंज्यूमेबल्स हैं। जो आपके स्टॉक तो होता है लेकिन वो स्टॉक आपका कंज्यूमेबल्स है, खत्म हो जाएगा। उसकी अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अमाउंट पेड एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये अमाउंट पेड में दो अमाउंट आते हैं, एक कैश परचेजेस और प्लस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। दो तरह से तो अमाउंट पे करेंगे, या तो हमने कैश परचेज किया या हमने क्रेडिटर्स को पे किया। ये अमाउंट पेड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर्स एट द एंड, माइनस किया आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग। समझ रहे हो, ओपनिंग जो हमारे इस साल की आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर दिए, क्योंकि हम अक्रूअल बेसिस पे फोकस कर रहे हैं। जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी वो माइनस कर दी, ठीक है। फिर एडवांस या प्रीपेड इन द बिगनिंग प्लस कर दी, क्योंकि पिछले साल हमने कुछ भी पे किया था वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा था। और एडवांस या प्रीपेड एट द एंड माइनस कर दी, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। ये करके हमें जो फिगर मिली ये मिली परचेजेस, इसे हम कहेंगे टोटल परचेजेस। ये है टोटल परचेजेस। अगर क्वेश्चन में सिर्फ परचेजेस गिवन ही हो तो ये वाले सारे स्टेप मिस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है तो हम क्या करेंगे, टोटल परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये करके हमें मिल रही कंजम्पशन, और ये कंजम्पशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, ठीक है। ये कंजम्पशन इनकम एक्सपेंडिचर में आ तो उसमें भी इनकम की साइड पे आएगी। अच्छा कंजम्पशन, अरे मतलब परचेज करी तो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो अलग ही कंजम्पशन आना चाहिए एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर पे ही आएगा ना बच्चा। अरे बट वो परचेजेस हमारी अगर इनकम की साइड आ रही है। क्यों आएगी इनकम साइड, मतलब एक्सपेंडिचर साइड आ रही है, वो एक्सपेंडिचर साइड नहीं, कहां आ रही है। हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेटमेंट को, परचेजेस आ गए फिर ओपनिंग स्टॉक ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। मेरे पास यहां जगह होती मैं इसके नीचे ही लिख देती, मेरे पास यहां जगह नहीं थी इसलिए मुझे वहां पे जाना पड़ा। और इसलिए जाना पड़ा कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन हो तो आप क्या करोगे। बट अगर आप अकाउंट बना के सोचो, हाँ अकाउंट बना के सोचो, हमारा एसेट है ये, एसेट है ये, है ना, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आ गया, परचेजेस भी डेबिट साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो उसके साथ क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, कंजम्पशन आएगी, कंजम्पशन आएगा, तो कहाँ आएगा, कंजम्पशन का क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे नहीं, ऐसे डबल गेम मत खेलो। अगर एसेट की क्रेडिट साइड पर आ रहा है कंजम्पशन, हाँ, यानी कि डेप्रिसिएशन भी हो सकता था अगर वो फिक्स एसेट होती तो। अच्छा, अगर वो फिक्स एसेट अकाउंट होता तो डेप्रिसिएशन होता, कंज्यूमेबल्स है तो कंजम्पशन हो गई। अगर इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट होता तो एमोर्टाइजेशन होता, कुछ भी होता आता तो डेबिट पे ना फिर एक्सपेंस होता। ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाइए, थक गए बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर रहे ना आज, थक गए। मैंने ये कहा कि अमाउंट पेड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट हमने पे किया। हम अमाउंट दो तरीके से पे करते हैं, पहला हमने कैश परचेजेस की, दूसरा हमने क्रेडिटर्स को पे किया। एनीवे हमने टोटल इतना पे किया है। अब हमें फोकस करना है करंट ईयर पे, तो पिछले साल अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग था माइनस कर दिया, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, ठीक है।
पिछले साल का प्रीपेड ऐड कर दिया बिकॉज़ दैट बिलोंग्स टू करंट ईयर, इस साल का प्रीपेड माइनस कर दिया, परचेजेस आ गया। परचेजेस में अब मेरे पास, मैंने खरीदी 100 पेंसिल, मेरे पास पहले से थी 50 पेंसिल, टोटल हो गया 150 पेंसिल, मेरे पास बची कितनी 20 पेंसिल, मैंने कितनी पेंसिल यूज कर ली, सिंपल मैथ, 6 स्टैंडर्ड का 130 मेरा वो कंजम्पशन हो गया, जो स्टॉक बचा हुआ बैलेंस शीट में आ गया, ये कुछ 6 स्टैंडर्ड का मैथ से, मैंने कहा ना मैं जो भी कुछ कराऊंगी तुमने सब किया हुआ है पहले, बस तुम्हें उसको रिलेट करना है, गॉट इट? मेरे को लग रहा ओवरडोज हो रही है, ये नहीं हो रही ना ओवरडोज, ठीक है डन, नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस फंड, ठीक है, प्राइस फंड नहीं सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास फंड अकाउंटिंग आती है। मैंने एग्जांपल लिया है प्राइस फंड का कि कोई भी फंड होता है, कोई भी फंड वो हमेशा किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है, कोई भी हमेशा वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, तो वो हमेशा ही कैपिटलाइज होता है, हमेशा कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अब प्राइस फंड मैंने एग्जांपल लिया, पेवेलियन फंड भी हो सकता है, लाइब्रेरी फंड भी हो सकता है, लैब फंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी हमारे पास फंड है वो हमने बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड पे मेंशन किया। अब इसमें हमने ऐड की जो भी कोई रिसिप्ट हो रही है रिलेटिंग टू दैट फंड, हमें डोनेशन आ रही है, हमें सब्सक्रिप्शन आ रहा है, हमें रिसिप्ट्स आ रही है, वट एवर वी आर रिसीविंग, हमने उस फंड में ऐड कर दिया, जो भी एक्सपेंसेस है वो हमने माइनस कर दिया। अगर इस फंड को हमने कहीं भी इन्वेस्ट किया है, मान लो मैंने बैंक में कोई एफडी करवा दी, इसकी फिक्स डिपॉजिट करा दी, मैंने कहीं भी इन्वेस्ट किया है, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो भी हमने की है, उन इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ तो वो यहां आ गया, और ये जो इंटरेस्ट है इससे हमारा फंड ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या एक्रूड हो, ठीक है, ये दो जगह आ गए ना, रिसीव्ड तो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ ही रही है, बाकी एक्रूड दो जगह आ गए, एडजस्टमेंट दो जगह आती है, ये करके हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस शीट की असेट साइड पर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लायबिलिटीज एंड असेट्स में हमने इसको शो कर दिया। अब पॉइंट ये आता है कि एक expenses are more than the available funds, अगर कोई भी expenses हमारे ज्यादा हैं, मतलब ये सब कुछ add बैड करके हमारे पास fund आ गया 1,00,000 का, लेकिन मेरे expenses 1,10,000 है, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 का फंड आ गया, इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, डोनेशन भी ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया, फिर भी मेरे एक्सपेंसेस 1,10,000 है, तो जो भी एक्सपेंसेस आर मोर देन द अवेलेबल फंड्स देन एक्सेस एक्सपेंडिचर इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लियर हुआ, जो भी एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा, क्लियर हो गया, क्लियर। उसका जो मेंशन बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट में होगा, किसका? अकाउंट का, क्योंकि फंड है ना इसलिए, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम? अब एक बात को और क्या ध्यान रखना है, इफ फंड इज
कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कोई भी ऐसा फंड जो कि हमारा पर्टिकुलर किसी कंस्ट्रक्शन के लिए है, इफ दिस फंड इज मेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट देन वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड क्या करेंगे, माइनस करेंगे फंड में से और ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। अगर वो पेवेलियन फंड है और हमने कहा कि वो जो पेवेलियन है उसकी 2 लाख की कंस्ट्रक्शन हो गई है कंप्लीट, वैल्यू 2 लाख है उसकी, तो वो 2 लाख रुपए पेवेलियन फंड से माइनस कर देंगे बिकॉज 2 लाख की कंस्ट्रक्शन हो गई, तो फॉर दैट मोर फंड इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने पेवेलियन फंड यानी कि स्पेसिफिक फंड से माइनस करके जनरल फंड यानी कि कैपिटल फंड में प्लस कर दिया। अब हम उस फंड को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट फंड इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर अप टू 2 लाख रुपीज। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहली बात जो भी फंड से रिलेटेड इनकम है वो फंड में ऐड करनी है और एक्सपेंस माइनस करना है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर देने हैं। अगर वो फंड किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बना है तो वो कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस हमें फंड में से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट आज खत्म हो गए। आप लोगों के पास क्लासरूम पे एक OTQs क्वाडर मिलेंगे, आपको उसको ज्वाइन कर लेना क्लासरूम को, उन OTQs में से ट्राई करके आना कल जितना करके आ सकते हो, ठीक है, जितना इजीली ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करके आना, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अब NPO कल स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा दो किसी मुझे इन्वेस्टमेंट करी है अंदर से फंड दिया मुझे कि आप ये कंस्ट्रक्ट करो और मैं जो प्रोडक्ट बाय करना है उसमें वो पूरा फंड यूज हो रहा है और उसके बाद एक्सेस फंड भी लग रहा है, तो फिर एक्सेस मैं अपने पास से लगा दूंगी, कैपिटल फंड से ले लूंगी, मैं कौन सा करेंगे कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। अगर हम बचा हुआ फंड कैपिटल फंड में ऐड कर रहे हैं तो वही ना, तूने वही तो बात बोली कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे अगर तो कंज्यूमेबल्स टाइप है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कैपिटल फंड ले लेंगे, डिपेंड करता है ना एक्सपेंस कैसा है, ठीक है।